हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आए तो उसको लाइक करना शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्टअप होता है। साथ ही साथ हमने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ जो है अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से हो या फिर प्राइवेट जॉब से हो। तो वो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इनकी लास्ट डेट खत्म होने से पहले आप जो है फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लें और इसके बारे में जान लें। सो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करने वाले। सो फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है कोल इंडिया के नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड में यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी हैं। तो यहाँ पे ये इसका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर आपके सामने है। तो ये जो है एक तरह से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है जहाँ पे आईटीआई के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आईटीआई की बात किया जाए तो आईटीआई भी यूपी और एमपी के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। मतलब अगर आपने आईटीआई जो है यूपी से किया है और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट से किया है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे बात किया जाए कि कौन कौन से कितने नंबर ऑफ यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, तो कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है आपका ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन रखा गया है, यानी कि सॉरी वेल्डर रखा गया है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 83 है। देन इसी तरह बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 639 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल की बात की जाए तो 1260 यहाँ पे वैकेंसीज है। फिटर के लिए 840, देन मोटर मैकेनिक के लिए 220 और टोटल सीट्स की बात की जाए यहाँ पे तो 2482 जो है यहाँ पे सीट्स है। तो यहाँ पे जो ट्रेड एलिजिबल है आपका मोटर मैकेनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, देन बात किया जाए गैस बिल्डर के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इलेक्ट्रीशियन की है यहाँ पे। और ये जो है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांग रखा है 8 पास मांग रखा है। गैस बिल्डर के लिए 8 पास प्लस आईटीआई मांग रखा है। और जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो आपका यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है 10th आईटीआई मांग रखा है। फिटर के लिए 10th आईटीआई, मोटर मैकेनिक्स के लिए 10th आईटीआई जो है यहाँ पे मांग रखा है। मिनिमम परसेंटेज जो है 50 होना चाहिए एग्रीगेट, और जनरल ओबीसी के लिए 45% यहाँ पे रखा गया है। देन यहाँ पे एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे 16 से लेकर 24 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे जो है आपके आईटीआई के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होगा, आपके आईटीआई के बेसिस पे मार्क्स जो आएंगे उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है पहले आपको www.apprenticeship.gov.in पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। देन वहाँ पे जो है www.nclseal.in पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहले आपको अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। देन यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दे रखा है कैसे आप फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये सारी चीज़ जो है आप जो है सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्ट पहले ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका स्टाइपेंड की बात किया जाए तो स्टाइपेंड जो है आपका यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके तहत जो है यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन का कोई भी फ़ी नहीं लिया जा रहा है। जॉब लोकेशन जो है आपका एमपी और यूपी जो है यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन होगा। और ये जो है 1 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।